मिर्जापुर के नारायणपुर ब्लॉक के महिला कल्याण विभाग ने महिला उत्पीड़न के मामलों पर सुनवाई की। जनसुनवाई में समस्या बताई और उसी के साथ ही सदस्य अनीता सिंह ने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न को लेकर सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। महिलाओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सरकार सजग है। जनसुनवाई में महिला शिक्षक ने मानदेय का भुगतान नहीं होने की शिकायत की। इसके अलावा जनसुनवाई में साफ सफाई, घरेलू हिंसा और अतिक्रमण कर समेत अन्य शिकायतें सामने आई। महिला कल्याण विभाग पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देशित किया। मामला है, हम लोग मदरसे के टीचर हैं, हम लोग की 5 साल से मानदेय नहीं मिल रहा है। केंद्रांश 5 साल से नहीं मिल रहा है और राज्यांश भी 1 साल से नहीं मिल रहा है। कुछ पैसे आए हुए थे वो भी 30 मार्च को वापस हो गए और 5 महीने से चार महीने से जिले पर आकर के रुका हुआ है। और वहाँ हम लोग जाते हैं तो कहते हैं यहाँ आपके विभाग के अधिकारी नहीं है, जब उनकी नियुक्ति करवाइए, जब उनकी नियुक्ति होगी तब आप लोग का पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा फिर वापस चला जाएगा। मेरा नाम सुलेखा श्रीवास्तव, मैं चुनार सदुपुर मोहना न्यू LIC ऑफिस के पास की रहने वाली हूँ। मेरा यही समस्या था, मैं महिला आयोग में आई हूँ अप्लीकेशन लेकर। मेरा यही समस्या था कि मेरे जो मेन गेट है, मेरे मेन गेट के सामने मेरे मोहल्ले वाले ढेर सारा कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं। वहाँ पे कूड़ेदाने, मैंने कई बार बोला कूड़ा हटाने के लिए, लेकिन सभासद नहीं सुने और चेयरमैन भी नहीं सुने। तो ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि हर लोगों का घर का गेट जो होते साफ सुथरा होती है, वहाँ से लक्ष्मी आती है। मामला ये था कि राजस्वा से हमारी महिला आयोग मैडम आई थी, जो महिलाओं का कार्यक्रम सरकार चला रही है उस पर बात रखी कि उनका जैसे होता था कि गांव में कैसे उनके पास पहुंचा जाए, क्या किया जाए, उनको जागरूक किया जाए। कि कभी कभी होता है गांव में कि आपस में बहनता करके झगड़ा करके वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पिताजी कुछ करने लगते हैं, उसी में फोकस किया महिला का। मिशन शक्ति 4 की चौपाल लगाई गई चुनार के नारायणपुर ब्लॉक में, जो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का, हमारी केंद्र और राज्य की सरकार के मंशा है कि जब महिला आदि आबादी सशक्त होगी तो निश्चित ही देश विकास के पथ पर अग्रसारित हो जाएगा। उसी के अंतर्गत मिशन शक्ति के अंतर्गत ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें महिलाओं को बुला करके प्रधान के माध्यम से महिलाओं को बुला करके उनको जो है सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया गया और कल्याणकारी योजनाएं वो कैसे ले सकती, किस फोरम से ले सकती है। हमारे ब्लॉक लेवल के तहसील लेवल के अधिकारी यहां उपस्थित हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए किए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी और बताया कि किस फोरम पर पहुँच करके उनको लाभ मिल सकता है, वो अपने लाभ को ले सकती हैं।